गुड मॉर्निंग क्लास 8, दिस विल बी योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम कंप्यूटर। बेटा ये कंप्यूटर का आपका फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर 8 का, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो विजुअल बेसिक क्या है बेटा? ये आपकी एक तरीके की कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी समझता है, बाइनरी नंबर्स को समझता है, वो हमारे अल्फाबेट्स को नहीं समझता है। वैसे ही कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर वर्क करवाने के लिए या कंप्यूटर में कोई भी काम करने के लिए हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, तो उसी का है ये इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक। तो इसमें बेसिक आपकी कंप्यूटर की वो लैंग्वेज है जिससे आप कंप्यूटर पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। प्रोग्रामिंग मीन्स क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट अ सर्टेन वर्क। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग क्या करता है? क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन को लिखना जिससे कि आप कंप्यूटर से कुछ पर्टिकुलर काम करवा सको। ठीक है, द अर्लिएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोन एज मशीन लैंग्वेज यूजेस बाइनरी कोड्स 0 and 1 टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। तो जो सबसे पहली पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी वो बाइनरी नंबर्स को या बाइनरी कोड्स को यूज करते थे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, बट इट वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू लर्न, बट वो बहुत टफ थी मतलब समझने के लिए भी एंड याद करने के लिए भी, क्योंकि आप ये सोचो कि बाइनरी से आप पर्टिकुलरली सब कुछ लिख रहे हो, मतलब 0 and 1 के कॉम्बिनेशन से आप सब कुछ लिख रहे हो, सब कुछ मतलब आपको कुछ भी कंप्यूटर में लिखना है तो वो 0 and 1 के कॉम्बिनेशन से ही लिख सकते हो या इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, तो इसलिए ये बहुत डिफिकल्ट थी। ठीक है, फाइनली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वर इन्वेंटेड विच वर मच ईजियर टू लर्न। उसके बाद आपके हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किए गए या इन्वेंट किए गए जिनकी हेल्प से आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हो एंड दे आर कंपैरेटिवली मच मोर इजियर, मतलब ये आपके काफी हद तक बहुत आसान थे आपके कोडिंग जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे उनसे। लो लेवल में हम सिंपली कंप्यूटर में बाइनरी की हेल्प से या कोई भी मशीन लैंग्वेज की हेल्प से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते थे। ठीक है, जो कि सिंबल्स के फॉर्म में भी हो सकती थी, तो वो सिंबल्स वगैरह याद करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। ऐसे में हाई लेवल लैंग्वेज जब आ गई तो उनसे हमें बहुत ज्यादा इजी हो गया कंप्यूटर के साथ काम करना। ठीक है, सम ऑफ द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर जावा, जावास्क्रिप्ट, सी, C++, बेसिक एंड विजुअल बेसिक। ठीक है, तो ये कुछ हमारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं हाई लेवल की जिन्हें हम यूज करते थे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के लिए। प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विजुअली अरेंजिंग कॉम्पोनेंट्स ऑन अ फॉर्म स्पेसिफाइंग एट्रीब्यूट्स एंड एक्शन ऑफ दोज कॉम्पोनेंट्स। तो विजुअल बेसिक क्या था बेटा? विजुअल बेसिक में आपके विजुअली अरेंजिंग मतलब आप देखकर अरेंज करते थे कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, अलग अलग कॉम्पोनेंट्स जिनका कि अलग अलग काम होता था। ठीक है, जिससे कि वो अपना पर्टिकुलर जो भी उनका काम है उसे कंप्लीट कर पाए। ठीक है, चलिए फिर आ जाता है आपका विजुअल बेसिक वीबी। तो वीबी इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1987। वीबी क्या था आपका? विजुअल बेसिक इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1987। ठीक है, 1987 में प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज क्रिएट हुई थी वीबी। दिस लैंग्वेज वॉज डिराइव फ्रॉम अ यूजर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोन एज बेसिक। तो विजुअल बेसिक आपका बेसिक से डिराइव किया गया था। बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। द कोड लुक सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। इन विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग इज डन इन अ ज्योग्राफिकल सॉरी इन विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग इज डन इन अ ग्राफिकल एनवायरमेंट एज द बेसिक एम ऑफ दिस लैंग्वेज वॉज टू प्रोवाइड अ यूजर फ्रेंडली एनवायरमेंट दैट सपोर्ट्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो इन विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग इज डन इन ग्राफिकल एनवायरमेंट। ग्राफिकल एज इन मतलब जो आप देख सकते हो, ग्राफ वगैरह आपने बनाया होंगे मैथ्स में, तो उसी टाइप का कुछ ग्राफिकल एनवायरमेंट में हम प्रोग्रामिंग करते हैं विजुअल बेसिक में। ठीक है, जो कि यूजर फ्रेंडली एनवायरमेंट प्रोवाइड में, यूजर फ्रेंडली एज इन जो उस पर काम कर रहा है उसके लिए थोड़ा आसान रहता है। ठीक है, विजुअल बेसिक इज अ विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज द प्रोग्रामिंग इज डन इन ग्राफिकल इंटरफेस।
तो विजुअल बेसिक आपका विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, विजुअलाइजेशन, जिसे आप देख सकते हो, क्योंकि ये ग्राफिकल इंटरफेस के साथ की जाती है। ग्राफिकल एज इन मतलब जिसमें ग्राफ्स, मतलब जिसमें आपके पिक्चर्स होते हैं, उनकी हेल्प से आप प्रोग्रामिंग करते हो, ठीक है, पिक्चर्स या फिर डायग्राम्स होते हैं तो उनकी हेल्प से आप प्रोग्रामिंग करते हो। इट इज ऑल्सो नोन एज एन इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज इन विच द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इज डिटरमाइंड बाय एन इवेंट। तो विजुअल बेसिक में आपको, विजुअल बेसिक को इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है, बिकॉज इसमें इवेंट के हिसाब से आपकी प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। इट मीन्स दैट ईच ऑब्जेक्ट कैन रिएक्ट टू डिफरेंट इवेंट्स सच एज माउस क्लिक। द प्रोग्राम्स दैट यू क्रिएट इन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर बेस्ड ऑन इवेंट्स, ठीक है। तो इसमें आप जो भी प्रोग्राम क्रिएट करते हो ये इवेंट्स पे बेस होते हैं, ठीक है। Performed by the user on different objects created in a form, ठीक है। तो ये हमारे यूजर परफॉर्म करता है अलग अलग ऑब्जेक्ट की हेल्प से जो कि उसने क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्टिंग विजुअल बेसिक पढ़ेंगे। इस लेक्चर में क्या पढ़ा कि विजुअल बेसिक आपका है क्या, कैसे काम करता है, ठीक है, तो कहां से आया, तो ये सब हमने इस लेक्चर में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्टिंग विजुअल बेसिक पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।